महापुरुखों का आसन सतपुरशां ते साडे नजदीक ते महापुरुखों का आसन राज साहब वालों का बहुत आदमी इथों ही घाटा खरीद लेंदे ने उन्होंने जीवन उन्होंने सतगुरु वाल लगन उन्होंने गिरी उन्माज की तोरी हुई मर्यादा के मुताबिक योग साधन अपने नेम में जदों महापुरखों से प्राप्त कर लिया वो परिपक् रहे चाहे उन्होंने को लखां भुगती सी बस्तर के बड़े शौकी के जो राजे होंगे तो भी पाई जाते और उन्होंने पाया बड़ा सोहना लगता कि उत्थे महापुरखों की शरण में उन्हों की भुगती आ पाक हो सारे संगे ने भी हो जी देंगे कि ने कहना भी ये तो बस्तर के शौकी हैं इतने भी रह जाते बाबा जी ने दसिया नहीं बई थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र कहन सुन वाले कहो नानक सो भवन पवित्रा जामे संत संत एक हिरदे की शांता नवा जिन्होंने गुरु की आग्ञा प्राप्त कर ली प्रसन्नता वह इस भूति के बीच बैठे भी तुम असी नहीं पछाण सकते गुरुमुख पछाण सकते हैं भी असी अवस्था लैनी है वह भी संत हो सकता वो भवन कहते हैं सोने के मंदिर भी सोने के मंदिर च भी वह बैठा हो संतगिरी मलीन नहीं होंगी वह अपनी लगन के इस तो उपराम है उसमें गमी शादी नहीं है जे वह कित इट का सराहना लाई पे है जंगल में शरीर के विश्राम के आनंद है तो वह उत्थे भी आनंद है उसनों दसिया भी संतगिरी मलीन नहीं हुई मगर जे इस अवस्था जब अवस्था टूटी झूंफड़ी चीर सब छिन्ना जातना पातना आदरो उद्यान भ्रमिना मित्र हेठ धन रूपहीन को साक न सिन्हा राजा सगली सृष्टकार नाम कितने पछाण सकते भी साढ़े संत बड़े ने किसी साधु की निंदा ना करो पता नहीं वाहिगुरु नाल कि गुरु खे